नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देश्या। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हो रही अनावश्यक कटौती पर नाराजगी जताते हुए पावर कॉरपोरेशन को अतिरिक्त बिजली खरीदने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में प्रदेशवासियों को तय बोस्टर से बिजली दे। शिवपाल यादव ने कहा कि जनता की आवाज पर मैंने अपनी पार्टी का समर्पण किया था, मैं समाजवादी नेता था, हूं और रहूंगा, सपा में मुझे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। कहा, आजम खां को जेल से निकालने के लिए करूंगा संघर्ष। राजनगर पुलिस ने फर्जी ऐप से ठगी करने के मामले में सोमवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को देश भर के कई लोगों से 8 करोड़ रुपए की राशि ठगने की बात कबूली है। बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बाढ़ नियंत्रण से जुड़े सभी कार्य 15 जून तक पूरा करने के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ सीएम योगी ने कहा कि बाबू नीलामी का भौतिक सत्यापन कर एक सप्ताह में ड्रोन से फोटो कराए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे टुडे 24 न्यूज़।